A very good evening to all of you dear friends and how are you all? तो आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो डेडिकेटेड वीडियो है रिलायंस का एनालिसिस करेंगे हम जिसमें उसमें बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस वीडियो स्पेशली आई हैव डेडिकेटेड टू रिलायंस. एक वीडियो ये पहले आपको मिली थी रिलायंस की जब उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, अर्निंग नंबर्स आए थे एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो अपडेट वीडियो. और इसमें हम रिलायंस में क्या स्ट्रेटजीज बनानी है और किस तरीके से आने वाले दिनों में रिलायंस के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस सारी बातें हम करेंगे. तो आर यू ऑल रेडी गाइज? यस, ओके, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. और रिलायंस में आज हमने देखा स्पेशली इसका जो अर्निंग्स आई थी जब हमने आपको वीडियो बना के दिया था 25 जनवरी के आसपास, और उस समय ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था रिलायंस का. तो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेवल. और अगर हम इसको मार्क करें तो दिस इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन. ठीक है ना, रेजिस्टेंस जोन ये जो लेवल है यहाँ पे this one. So I'll delete and I'll redraw. This was your one of the level and this was another high. तो निफ्टी सॉरी रिलायंस ने एक जो रेजिस्टेंस जोन है रिलायंस में, दिस रेजिस्टेंस जोन इज फ्रॉम 2080 टू 2120. तो ये 40 पॉइंट की हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है रिलायंस की. और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखें तो दिस वाज फर्स्ट रीटेस्ट, दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड. तीन बार प्राइस रिजेक्शन आ चुका है. क्या आ चुका है? दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्शन ऑफ द प्राइस. तो तीन बार रिलायंस में प्राइस रिजेक्शन आया और वो इसी जोन से जो 40 पॉइंट का जोन है वहां से आया. और उसके बाद हमने देखा कि रिलायंस नीचे गई इस जोन से रिजेक्ट होके. और यहाँ पे जब हमने वीडियो बनाई थी तब आपको हमने दो संभावनाएं बताई थी इस वीडियो में. ये एक संभावना ये थी कि यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाके हाई काटेगा. दूसरी संभावना आप सभी पुराने लोगों को याद होगी और जो नए ट्रेडर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए बता दें कि एक संभावना हमने ये बताई थी कि इसमें एक 1800 का जोन छूटा हुआ है इस पूरे अप मूव में. जो रीटेस्ट होने के लिए एक 1800 का जोन छूटा हुआ है. तो अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तो हो सकता है ये एक बार आके नीचे अपने 1800 के इस जोन को, ये जो 38% का इसका जोन है, दिस जोन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इस जोन का रीटेस्ट करे. ये जोन था 1800 से लेके 1780 का जोन. तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये जो टॉप बना था यहां से हम डायरेक्टली ऊपर चले जाएं अर्निंग्स के बाद. दिस वाज योर अर्निंग कैंडल. तो एक ये था कि अर्निंग्स के बाद हम यहां से डायरेक्टली ऊपर जाएं. दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी वो ये थी कि हम पहले 1800 की जोन में आए, 1780 1800 की जोन में. यहाँ पे हम आए जरूर लेकिन रुके नहीं और फिर यहां से हम रिवर्स करके जाके हाई काटें. दो संभावनाएं थी. तो हमने देखा कि जो पहली संभावना थी वो नहीं हुई क्योंकि रिलायंस वहां से नीचे गिरी, लेकिन इसने लो जरूर नया बनाया. ठीक है, अगर ये 1800 के जोन में नहीं आना चाहती है तो नहीं आएगी. जितना इसको टाइम वाइज करेक्शन करना था, करेक्शन की हमने पहले भी बातें बताई हैं आपको. करेक्शन जो भी होती है बाजार में, करेक्शन दो प्रकार की होती है. एक होता है प्राइस करेक्शन और दूसरी होती है टाइम करेक्शन. प्राइस वाइज ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है ना. हमने देखा कि 2370 का जो टॉप लगा था वहां से हम लगभग ये 1820 के आसपास का इसने लो लगाया है. तो एक जो प्राइस करेक्शन होनी चाहिए थी है ना, तो प्राइस करेक्शन इसमें ऑलरेडी 550 पॉइंट की हो चुकी है. 550 पॉइंट की अच्छी करेक्शन इसमें आ चुकी है. अब इसमें टाइम पास करना था और टाइम भी इस जोन में,
ये जो जोन है जिसमें इतने समय ये साइडवेज रही, अगर हम ये टॉप देखें तो इसने सितंबर मिड में लगाया था, तो सितंबर से हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 1, 2, 3, 4, 5 महीने हो गए। तो प्राइस करेक्शन की जो बात थी वो भी कंप्लीट हो गया, 5 मंथ्स का हमारे पास प्राइस करेक्शन भी, सॉरी टाइम करेक्शन भी आ गया। तो ऐसे एरिया से जनरली क्या होता है कि फिर बाजार बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल गई, जो भी वजह है, चाहे किसान आंदोलन है या कोई और वजह से, रिलायंस ऊपर नहीं जाएगी, रिलायंस नीचे आएगी और सारी अफवाहें जो चल रही हैं, एंड सडनली व्हाट वी सॉ इज अ बिग कैंडल। दिस इज अ 4%, 4.25% कैंडल, क्लोजिंग 55 पे आई है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट 4.2% की पॉजिटिव कैंडल है। सो दिस इज योर बिग कैंडल, आई कॉल इट एज एलिफेंट बार, आई कॉल इट एज एलिफेंट बार। तो एलिफेंट बार यानी बिग बार, और बिग बार जनरली दे आर क्लीन आउट बार्स। तो जिस तरीके से ग्राइंडिंग करके, अब जब भी प्राइस ग्राइंडिंग करती है, प्राइस में स्पेस नहीं होती रीटेस्ट करने की, इसने इस दिन जाके फिर से रीटेस्ट किया और आज एकदम ऊपर निकल गई। तो मुझे प्राइस एक्शन को देख के लगता है कि अब दिस इज अ गुड टाइम टू गेट इन टू द रिलायंस, और अगर यहाँ से रिलायंस ऊपर जाती है, अगेन दिस इज द सेम जोन इन टू द रिलायंस, अगर इस बार हम ये 2080 से लेके 2120 के जोन को ब्रेक करते हैं, Suppose you get the very next candle and you break this zone, we are then ready for 2300 and higher. तो अगर हम तेजी से इस जोन को काटते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या कि अब यहाँ पे जो भी होना चाहिए ना, इट शुड बी फास्ट। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो प्राइस एक्शन ये चीज कहते हैं कि अगर आप इस जोन को ब्रेक करके निकलने वाले हैं, अगर यहाँ पे मोमेंटम बाइंग है, इफ दिस इज अ मोमेंटम बाय ट्रेड, मोमेंटम बाय ट्रेड, देन इट शुड बी विद अ स्पीड। तो अब अगर हम कल ऐसी बड़ी कैंडल बना के इस जोन को ब्रेक करते हैं, बड़ी कैंडल से फास्ट काटते हैं, इसका मतलब तब दैट विल बी द अप्रूवल बाय द प्राइस कि अब हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे। और 2-3 दिन में, आज हम क्लोज हुए हैं 2050-55 पे, कल हम 2100-2120-2130 और ऐसे करके 2200-2300 पे ये प्राइस निकलती जाएगी। दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट, एंड विद द डिस्क्लोजर दैट आई एम पर्सनली लॉन्ग इन टू रिलायंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको बताने के लिए बताया जा रहा है। इफ यू सी हेयर, आई एम होल्डिंग 2500 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, आई एम ऑलरेडी कैरिंग 10 10 लॉट्स एंड आई हैव बुक्ड 30,000 रुपीज टूडे साइमल्टेनियसली। तो लगभग 65,000 का आई मीन टू प्रॉफिट्स। तो विद द डिस्क्लोजर दैट आई एम पर्सनली लॉन्ग इन रिलायंस, आई एम शेयरिंग माई एनालिसिस, माई थॉट्स विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो रिलायंस अच्छा लग रहा है। और अब हमारी रिस्क कितनी है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इफ यू बाय हियर व्हाट इज योर रिस्क। तो ऐसे केसेस में जनरली टूडेज लो इज अ डिसेंट स्टॉप। अगर आज के दिन का लो कट जाता है, सपोज एनीथिंग हैपेंस व्हिच यू डोंट वांट टू हैपन, बट इफ एनीथिंग हैपेंस एंड इफ इट टेक्स द डेज लो अवे, टूडेज लो, दिस सेटअप इज फिनिश्ड। तो हमारी रिस्क कितनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक कैंडल की रिस्क है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वो भी रिस्क नहीं है, क्योंकि वो आराम से बैठे रहे, आज नहीं तो कल ये चले गए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये कहानी है कि आज की कैंडल हमारी लो है, दिस इज अ स्ट्रेंथ कैंडल, इग्निशन कैंडल, और इसके साथ फिर हम ऊपर जाने चाहिए। ओवरऑल जो हमारा रिलायंस का टारगेट है, अगर हम पूरे ट्रेड सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक ये पूरी मूव आई रिलायंस में, और उसके बाद इस मूव का ये सारा का सारा कंसोलिडेशन था। तो ये जो लो लगाया था 1830 का था, ठीक है ना, 1830 का, पहले 1835 और 1855 का था, फिर 1830 का लगाया और फिर यहां से रिवर्स हुई। तो अगर इस ये लो इंटैक्ट रहता है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिलायंस 2758 रुपए की तैयारी कर रही है।
दिस इज द लॉन्ग टर्म टारगेट इन रिलायंस, नॉट नाउ, मे बी 3 months, 6 months डाउन द लाइन यू कैन एक्सपेक्ट. लेकिन ये जो 2758 रुपए, दिस इज द टारगेट एज लॉन्ग एज दिस 1800, जो 1800 का स्टॉप लॉस है, इट रिमेन्स इंटैक्ट, और क्लोजिंग बेसिस पे हम उसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे. आए जाए वो अलग बात है, रुकेगी नहीं प्राइस उसके नीचे, ये हमारी कंडीशन है. तो इस तरीके से कुछ रिलायंस का ट्रेड सेटअप है. और अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर जाती है, जो ओवरऑल पूरी मूव डाउन मूव आई थी, जितना करेक्शन का पार्ट आया था, तो इसका 50% जो रिट्रेसमेंट है. लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग टूल्स एंड ड्रॉ इट अगेन. तो इसका 50% का जोन है, ये 2100 का है. तो 2100 से लेके दिस 2161, यहां तक तो आसानी से आ जाएगी. उसके बाद अगर ये तेजी से काट के क्लोज होती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट द फर्दर अपसाइड, एंड देन इन दैट केस हम ऊपर और हाइज टू हाइज नया हाई हिट करेंगे. और अगर आज के दिन का लो कटता है, तो फिर द स्टोरी विल बी चेंज्ड फॉर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, या महीने भर की ट्रेडिंग जो करते हैं, जो पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, अगेन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. कुछ हम एवरेजेस वगैरह लगा के उनको भी देख लेते हैं. दिस इज द सेटअप हियर. अच्छे जोन से सभी एवरेजेस के को साथ में लेके निकली है रिलायंस. सो दिस इज अगेन अ गुड एरिया अकॉर्डिंग टू द एवरेज थ्योरी. अच्छे एरिया से निकली है, तो लेट्स सी व्हाट इट ऑल कैन डू फॉर अस. लेकिन अच्छे एरिया से, अच्छे सपोर्ट से निकली है. और ये जो लो है, दिस इज योर सैक्रोसेंट लेवल. तो ये आज के दिन का लो ही हमारा सैक्रोसेंट लेवल है. 60 मिनट चार्ट पे भी देखें तो इट लुक्स गुड. अब 60 मिनट में क्या होता है ना, दो थ्योरीज होती हैं. अगर हम इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज योर पावर अप ट्रेंड. क्या होता है, जब अप ट्रेंड यहाँ से स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, अप ट्रेंड यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में फर्क होता है. जैसे इंसान इंसान में फर्क होता है ना, एक ही नाम के चार इंसान है, फर्क तो होगा, हर एक का अपना नेचर सिग्नेचर अलग होगा. यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था, दिस इज योर रेगुलर अप ट्रेंड, आई कॉल इट अ रेगुलर अप ट्रेंड. ये जो यहां से अप निकला है, दिस इज योर पावर अप ट्रेंड. दिस ऑल आई टीच इन माई ट्रेनिंग्स. तो ये जो केस है, ये पावर अप ट्रेंड का. और अब अगर ये यहां से सीधा सीधा जाता है, दैट विल बी द केस ऑफ सुपर अप ट्रेंड. तो मेरे हिसाब से या तो हम सुपर अप ट्रेंड में जाएंगे ऊपर, या फिर हम पावर अप ट्रेंड में ऊपर जाएंगे. एक दो दिन में प्राइस एक्शन और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन दिस इज अ गुड टाइम एंड वी आर लुकिंग फॉर अ 2758 टारगेट इन टू रिलायंस. दैट्स ऑल. ठीक है, तो आज के इस अपडेट वीडियो में इतना ही. अगर आपको प्राइस एक्शन सीखनी है, जैसे हमने प्राइस का कैंडल टू कैंडल एनालिसिस किया, कैंडल टू कैंडल हमने ट्रेल किया है, हाउ टू ट्रेल. पहले जब हमने यहाँ पे एंट्री की, लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल हियर. जब हमने एंट्री की, तो दिस लो वॉज माई इनिशियल स्टॉप लॉस. फिर ये कैंडल का लो हमारा ट्रेल SL1 बना, फिर हम यहाँ पे आके ट्रेल SL2 किया. तो हमें कैंडल्स को कैसे पढ़ना है, कैंडल्स को देख के कैसे ट्रेड लेना है, और मार्केट साइकोलॉजी को कैसे समझना है. अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं प्राइस एक्शन क्या चीज होती है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें. सैटरडे संडे को हमारी प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर प्रोग्राम है ऑनलाइन, तो आप जरूर ज्वाइन करें और प्राइस एक्शन सीखें. एंड इन एनी केस है ना, प्लीज राइट अस, प्लीज गिव योर फीडबैक, और इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय एंड टेक केयर.